हिम्मत से काम लो अजहर, कंपनी के सारे एम्प्लॉयज इसी मसले से दो चार। मुझे देखो, मैं भी तो परेशान हूं ना इसी बात पर, लेकिन स्ट्रेस मसले का हल नहीं है। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। यार 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है, किस पत्थर के बने हुए ये मालिकान? हमारे घरों के चूल्हे ठंडे हो रहे और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जाओ बात करने के लिए तो कहते हैं कि फंड्स नहीं है। चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। यार दिल नहीं है मेरा, किसी चीज में दिल नहीं है। मैंने कहा ना, कल हम सब बॉस के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे। अगर उनके पास हमारी मेहनत का मुआवजा नहीं है देने को, तो हम काम करना छोड़ देंगे, स्ट्राइक कर देंगे। ठीक है, अल्लाह पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। चाय पियो। ऐसे कैसे निकाल सकते हैं आपको जॉब से कंपनी वाले? आपके तो ड्यूज भी क्लियर नहीं किए उन्होंने, आप बात करें उनसे जाके। किससे बात करूं? पिछले 2 साल से कंपनी क्राइसिस में थी, वर्कर्स और एम्प्लॉयज को देने के लिए फंड्स नहीं है अकाउंट में। आज कंपनी बंद हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करेंगे? गाड़ी की लीज है, बच्चों की फीसें हैं, यूटिलिटीज हैं, ग्रोसरीज, कैसे पूरे होंगे सारे खर्चा? अल्लाह मालिक है। देखो, जब सैलरी नहीं मिल रही थी तब भी तो गुजारा हो रहा था ना हमारा। कुछ सेविंग्स पड़ी हैं मेरे पास, बस दुआ करो मुझे कोई जॉब मिल जाए जल्दी से। मुझे फिक्र अजहर की हो रही है, वो बेचारा क्या करेगा, पहले से ही मुश्किल में था। हमारा अपना घर है अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो तो किराए के मकान में रहता है, बूढ़े वालदैन हैं, बच्चे हैं उसके साथ, क्या करेगा वो? खुदा गारत करे ऐसे लोगों को, इतने बेहिस लोग, कितने लोगों को आजमाइश में डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग जल्दी से चेंज कर लो, मैं खाना लगा रही हूँ। ओके। जी भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अफान भाई। अफान भाई, वो अजहर की तबीयत ठीक नहीं थी रात से, बीपी बहुत हाई था, तो मैंने तो उनसे कहा था कि आपको फोन कर रही हूँ, आपको साथ लेकर जाएं डॉक्टर के पास, लेकिन वो बाइक पर अकेले ही चले गए। अब मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ, उनका मोबाइल बंद है, कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ है। प्लीज आप पता करके कुछ बता सकते हैं मुझे? आप परेशान नहीं हो, मैं देखता हूँ। किस हॉस्पिटल गया ये? भाई ये तो मुझे नहीं पता कि किस डॉक्टर के पास गए। अच्छा मैं देखता हूँ, आप परेशान नहीं हो, अल्लाह हाफिज़। सब खैरियत तो है ना? मैं आके बताता हूँ। सर तो डॉक्टर के पास गए, उन्हें क्या मालूम था कि अपनी आखिरी मंजिल की तरफ जा रहे। बीपी हाई होने की वजह से चक्कर है और बाइक वैन से जाके टकरा गई। सिर्फ
जिंदगी की आसाइशों के लिए परेशान थे। हिम्मत करें भाभी, आपको साथ देते आयजा जी। जी शाकिरा भाभी हैं, उनसे बात हो सकती? जी भाभी, जी भाई। मेरी बहन, अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे। हौसला करने के अलावा हमारे पास कोई हल है नहीं। जब इंसान की सांसें और रिस्क खत्म हो जाए ना, तो एक लम्हा भी नहीं मिलता हमें। हम सबको यहां से जाना है, यही इस दुनिया की हकीकत है। लेकिन मुसलमान होने के नाते हमें मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह आपके लिए आसानियां करे। अजहर के बाद आपने ही बच्चों को संभालना है, खुद को मजबूत बनाए। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। अपनी औकात के मुताबिक आपके लिए, आपके बच्चों के लिए जो कुछ भी कर सका मैं हाजिर हूं। किसी भी चीज की जरूरत हो, बड़े मान से अपने भाई के घर आ जाइएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। चलता हूं, अल्लाह हाफिज। मेरी हिम्मत से काम ले भाभी। बहुत अच्छे दोस्त थे मैं और अजहर। एक साथ हमने ये कंपनी ज्वाइन की थी। तो देखो, एक साथ जॉब से निकाल दिए गए। जिंदगी के मसाइल तो हल हो जाते हैं, सेहत होनी चाहिए बस। वक्त नहीं था उसके पास असल में। बस करते हैं अफ़ान, निकल आए इस ट्रॉमा से। कितने मसाइल हैं घर के, उन्हें देखें। किसी के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। सही कह रही है, किसी के जाने से जिंदगी रुकती थोड़ी है। बस ये गम तोड़ देते हैं। सांसें दुश्वार हो जाती है। यकीन करें, यहां आते हुए मुझे बहुत बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इसने मेरी खुददारी तक को पीस के रख दिया। बच्चे भूखे बैठे हैं। कहा
खाने के नाम पर एक दाना नहीं है घर में। आप रोए मत चाकरा भाभी, हम आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं। अफवान भी तो असर के साथ ही जॉबलेस हुए थे ना, तभी तो यहाँ आते हुए और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी मुझे, पर मैं क्या करूं, मेरे पास कोई और दर नहीं। अल्लाह बड़ा बेनियाज है शाकरा भाभी, आप परेशान नहीं हो, कोई और अजीज नहीं तो क्या हुआ, हम तो हैं ना इस शहर में आपके लिए। अच्छा आप मुझे अपना सगा भाई समझें, जब भी किसी चीज की जरूरत हो बड़े मान के साथ आ जाइएगा। ठीक है कर, आपने एक बेवा पर बहुत बड़ा एहसान किया। एहसान वाली कोई बात नहीं है भाभी, भाई होने के नाते आपका हक है मुझ पर। आयजब तुम भाभी के लिए खाना लगाओ, मैं थोड़ी देर में बैंक से होकर आता हूं। भाभी की खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और हाँ बच्चों के लिए भी खाना पैक कर देना, मैं भी आया भाभी। ये क्या किया आपने अरफान, आधी सेविंग उठा के आपने शाकरा भाभी के हाथ में थमा दी। आपकी जॉब भी नहीं है, उसी से खर्च चल रहा था घर का, अब क्या करेंगे, कैसे पूरे होंगे अखराजात, हमारे बारे में आपने सोचा भी नहीं। मैं क्या बोलूं इसके जवाब में, तुम जानती हो वो बेवा है, उनके घर में कोई कफील नहीं, उनके घर के हालात तुम्हारे सामने, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं उनके साथ, तो मैं हूं ना, मिल जाएगी कोई नौकरी ढूंढ लूंगा, अल्लाह पर भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा। किस दुनिया में रह रहे हो, कौन देता है किसी को अपने से की आधी रोटी, मुझे समझ नहीं आ रही आपने किया क्या, सोच सोच के मेरा सर चकरा रहा है। इतने खर्चे हैं, मीरा सनी की स्कूल की फीसें हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, पता नहीं कैसे करेंगे मैनेज। अल्लाह करम करेगा, तुम परेशान मत हो, कह रहा हूं सब ठीक हो जाएगा। और हाँ वो तुम्हारे कजन को भी तो हमने कुछ अरसे पहले उधार दिया था, उनके हालात अब ठीक हैं, अपने तरीके से बात करो अब उनके साथ, अगर वो पैसे हमें मिल जाएं तो मीरब और सनी की 6 माह की फीस एक साथ भर देंगे, जो पैसे बचेंगे वो घर के खर्च के लिए रख लेना था। बस करती हूँ शारिक भाई को कॉल कि खुदा के लिए जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती है अपने सखी दिल पर थोड़ा सा काबू पा लीजिए। पता है ना कितने नाजों से पले हैं मीरब और सनी। जानता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ अल्लाह बहुत जल्दी आजमाइश खत्म कर देगा मेरी, भरोसा रखो बस। मम्मा, मम्मा दरवाजा खोले मम्मा। मम्मा, अस्सलाम वालेकुम। आगे मेरे बच्चे, कैसा रहा दिन? माँ का दिन बहुत अच्छा रहा। मम्मा, मैम ने वाचर दिया, वो कहा है जून जुलाई की फीस के साथ सबमिट कराएंगे। जी मम्मा, मेरी भी मैम ने कहा है कल तक फीस जमा हो जानी चाहिए। मैं ये पापा को दिखाती हूँ, आपकी फीस जमा हो जाएगी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करो। अच्छा आप जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ, मम्मा खाना लगाती हूँ। खाने में क्या है? आलू के पराठे, जैसे रेस्टोरेंट में खाते हैं ना। यम, मक्खन के साथ? जी मक्खन के साथ। चलो जाओ। चलो
अफान। ये वाउचर भेजा है स्कूल वालों ने, कहा है कि समर वेकेशंस की फीस भी साथ ही देनी है। ठीक है, भर दूंगा मैं। शारिक भाई से पैसों की बात की तुमने? हमारे पास जो पैसे पड़े हैं अगर उससे फीस भर दी तो अपने पास बहुत कम रह जाएंगे। नौकरी का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। ये बात आपको शाकरा भाभी को पैसे थमाने से पहले करनी चाहिए थी। शारिक भाई से बात शुरू भी नहीं की थी तो उन्होंने पहले ही बहाने करने शुरू कर दिए। क्या करेंगे, पता है ना कि अगले महीने एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। अगर बच्चों की फीस ना दी तो एग्जाम्स में नहीं बैठने देंगे। बहुत बड़ी गलती की आपने शाकरा भाभी को पैसे देके। मत किया करो मेरे साथ इस तरह की बात। भर दूंगा ये फीस और आइंदा नेकी को गलती कभी मत कहना, क्योंकि कभी रायगढ़ नहीं जाती नेकी। गाड़ी भी इंस्टॉलमेंट पर ली है, अपनी होती तो गाड़ी ही बेच देता। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, तेरा ही सहारा है। जॉब मिल गई तो सारे मसले हल हो जाएंगे। बस अच्छी सी जॉब मिल जाए। अफान, इसे सेल करते हैं, काफी अखराजात पूरे हो जाएंगे। सनी और मीरब की स्कूल की फीस भी चली जाएगी। अफान, जिस तरह से आप इत्मीनान से बैठे हैं, मैं इस तरह से इत्मीनान से नहीं बैठ सकती। मुझे तुम्हारी फिक्र पर कोई एतराज या शक नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें अब मुझ पर भरोसा नहीं रहा। मुझे भी अफसोस है अफान। आप हमारी जरूरतें छोड़ के दूसरों की जरूरतों का पहले ख्याल रखते हो। मेरी ये सोच बिल्कुल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। मुझे पूरा यकीन है मेरा अल्लाह मुझे इस आजमाइश से निकालेगा, बहुत जल्द निकालेगा। रख लो इसको, बहुत प्यार से लाया था मैं तुम्हारे लिए। घर में पहले ही इतनी परेशानी है, मैं सोना रख के क्या करूं। भाई साहब प्लीज रख लो इसको, कभी तो मेरी भी मान लिया करो। अगर मैं तुम्हें फिर से ऐसा बनवा कर दूंगा, आई प्रॉमिस। अफान भाई,
मेरे पास तो अल्फाज नहीं है मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मुश्किलों ने और तंग दस्ती ने तो जैसे मेरे घर का रास्ता ही देख लिया था। उस वक्त आप मेरे लिए वसीला बनकर आए, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका सकती। एहसान वाली कोई बात नहीं है, अज़र मेरा दोस्त नहीं भाई था, और भाई की फैमिली को तो यारो मददगार तो नहीं छोड़ सकता था मैं। ये तो आपका बड़ापन है भाई, मेरे बच्चे सास ससुर सब आपके लिए बहुत दुआएं करते हैं। और भाई आपने जो पैसे मुझे दिए थे घर का राशन डलवाने के बाद, मैंने सारे पैसों से कपड़ा खरीद लिया और ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बार बार आप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी मैं। देखिए बोझ वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आपने अपना काम शुरू करके बहुत अकलमंदी का मुजाहिरा किया है, मुझे फख्र है अपनी समझदार बहन पर। फख्र तो मुझे अपने भाई पर है। आज मैं जो कुछ भी हूं आप ही की बदौलत हूं। मेरी बहन अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। जो कुछ किया अल्लाह ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो अल्लाह से हमेशा आपकी खुशियों के लिए दुआ करती हूँ। भाई जो थोड़े से पैसे हैं रख लीजिए, बाकी सब भी इंशाल्लाह मैं किस्तों में अदा कर दूंगी। भाई एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? जी। जब तक आपके पास नौकरी नहीं है कोई भी काम हो आप मुझे कह दीजिएगा, एक बहन समझकर। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है सब खैर से चल रहा है। अभी दुआ करें मेरी नौकरी लग जाए तो फिर और अच्छे से चलेगा सब। जी जी इंशाल्लाह। भाई देखिएगा आपको आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी इंशाल्लाह। चल चाय तो पिए। आयशा क्यों रो रो कर खुद को हलकान कर रही हो? बच्चे इस तरह तुम्हें देखेंगे परेशान होंगे। आपके पैसों से चाकरा भाभी के तो हालात बदल गए, लेकिन हम कंगाल हो गए। एक एक करके सारी चीजें बिक रही हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो अब मैं ये घर भी बिक जाएगा। चाकरा बहन तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी, तुम इस तरह की बातें कर रही हो? वो पैसे भी देकर गई है तुम्हें। 10,000, 2.5 लाख दिए थे हमने उन्हें, 10,000 वापस किए। आज वो पैसे हमारे पास होते तो क्या हो जाता? वो पैसे हमारे पास होते तो क्या क्या कर लेते हैं बताओ मुझे? बाकी के पैसों की तरह हमने वो भी खा जाने थे। मैं तो समझता हूँ कि शाकरा भाभी ने उन पैसों का सही इस्तेमाल किया और एक तरह से हमारे लिए सदका जारिया कर दिया। देखो आयजा, मैं मानता हूं तुम मां हो, बच्चों के लिए कंसर्न, लेकिन तुम एक इंसान भी तो हो, मुसलमान भी तो हो। अल्लाह पर तकवा रखो, सब ठीक हो जाएगा। सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं?
अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। मुझे उठा दिया होता मैं नाश्ता बना देती। नहीं मैं बाहर से कर लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। दुआ करना आज मेरा इंटरव्यू कामयाब हो जाए। मल्टीनेशनल कंपनी है, उम्मीद तो बड़ी है बात बन जाएगी। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है मेरी तो उम्मीदें भी जमाते हैं। जिंदगी में आजमाइशें आती हैं, बस सब्र का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए। ये वक्त भी गुजर जाएगा, चलता हूँ। हाँ वो मेरे रक्षे वाले को कह दिया है, वो बच्चों को स्कूल ले जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आ जाओ बच्चों, देखो मामा ने कितने मजे के दाल चावल बनाए हैं, गर्मा गर्म। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मुझे नहीं खाना, मुझे फ्राइड राइस खाने। पहले आप हमारे पसंद का खाना बनाती थी, अब क्यों नहीं बनाती? हाँ मामा, मुझे भी पास्ता और वो नगेट्स खाने, मुझे नहीं खाना ये रूखा सूखा दाल चावल। मेरा दिमाग खराब मत करो और जो पका है वही खाओ। और अगर कोई बाप से शिकायत है ना तो बाप से जाके करो। आप हमें हर वक्त डांटने लगी हैं। हम आपसे कुछ मांगते हैं तो ये रूखा सा खाना दे देती। तो क्या करूं, कहां से पूरी करूं तुम लोगों की फरमाइशें? ना तुम्हारे बाप के पास पैसा है, ना नौकरी। जो पका है ना चुप करके खाओ। अब यही रूखा सूखा खाने की आदत डालो। खैरियत, तुम पैकिंग क्यों कर रही हो? अफ़ान बुरा मत मानना, लेकिन मैं बच्चों को लेकर कुछ दिन के लिए अम्मी की तरफ जा रही हूँ। हमारी सेविंग, तुम्हारी गाड़ी, मेरा जेवर, सब कुछ तो बिक गया है। वैसा कुछ नहीं बचा जो बेच के बच्चों को खिलाया जा सके। तुम बच्चों को मुझसे दूर लेकर जा रही हो? अकेली होती तो ऐसे नहीं करती। इन बच्चों की भूख नहीं देखी जाती मुझसे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, सब्र तो करो। कौन सी कोशिश? जाओ जाके कहीं से कमा के लेके आओ, या हमें जाने दो। ठीक, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा और बच्चों का यहां से जाना बेहतर है तो खुद तुम्हें छोड़कर आऊंगा। जब पैकिंग हो जाएगी मैं तुम्हें बता दूंगी, रिक्शा मंगा दे दूं। ऑटो के पैसे हैं मेरे पास।
या अल्लाह, मैं जानता हूं ये वक्त मेरी आजमाइश का है, मेरा ईमान अब भी उतना ही मजबूत है। मैं मायूस नहीं, पर मेरे बच्चे, मेरी बीवी मुझसे दूर जा रहे हैं और ये बात मुझे बहुत दुख दे रही है। अपने बच्चों से बिछड़ने का दुख मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। अल्लाह मेरे लिए आसानी कर दो, मेरे अल्लाह मेरे लिए आसानी कर दो। पापा प्लीज जल्दी ही जाने ना, हमें नानू के घर ड्रॉप कर दे। मेरी बेटी को नानू के घर जाने की कितनी खुशी है। जी पापा मुझे बहुत खुशी है, आपको पता है वहाँ पे जैन भी होंगे और हानिया भी होगी और उन्होंने तो अपनी नई बाइसाइकिल भी बाई की है और वहाँ पे बहुत सारे टॉयज होंगे। हाँ और मामू हमें घुमाने भी लेकर जाएंगे। जी पापा, वो मम्मा कह रही थी हम वहाँ पर बहुत सारे दिन रुकेंगे। पापा आप भी हमारे साथ चले ना। मुझे यहाँ पर बहुत काम है बेटा। पर आप तो ऑफिस जाते ही नहीं है। अब जाया करूंगा बेटा। पापा आपके वेकेशंस खत्म हो गए। सनी मीरा अपने अपने बैग ले आओ अंदर से। ऑटो ला दें। जी बोल रहा हूँ। जी जी थैंक यू सो मच जी, आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग। अल्लाह जी। जॉब मिल गई। पिछले हफ्ते जिस मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू दिया था ना, वहीं से कॉल आई। जितनी सैलरी कही थी उतनी ही दे रहे हैं। सच में गाड़ी भी देंगे। पिछली जॉब से कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। मैं कहता था अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह अपने बंदे को उसकी नियत, उसके इरादे, उसके अमल के बदले नवाजता है। एक एक नेकी के बदले में हजार गुना नवाजता है मेरा रब। वो वसीले बनाता है और वो सिला भी देता है। मायूसी होती
उस वक्त है जब अल्लाह पर यकीन ना हो। बस जरा भी सख्त नहीं कर। बड़ी भूल मुझसे हुई है, वो जो चोट मैंने लगाई। शिवा मुझे आपको बुरा भला कहने से पहले समझा जाती। इतना भी आपको पर कह दिया मुझसे नहीं, अल्लाह से माफी मांगो। देर आयत दुरुस्त आयत, समझ आ गई है अब। फिर अल्लाह से माफी मांगो, मेरा अल्लाह माफ कर दे। मुझे माफ कर।